देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 है, वो किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इनमें से इसका करेक्ट आंसर होगा शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। उनको ढाका के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उनके योगदान के लिए डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के मुख्य सलाहकार और पूर्व राजदूत, जिनका नाम है टीपी श्रीनिवासन, उन्होंने यह पुरस्कार शेख हसीना को प्रदान किया है। पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र ने जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है उसके तनाव, संघर्ष और आतंकवाद से मुक्त एक शांतिपूर्ण और समृद्ध दक्षिणी एशिया के दृष्टिकोण की सराहना की है। वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से मालदीव, घाना, मॉरिशस के राष्ट्रपतियों को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया था। देखिए, ये जो पुरस्कार है वो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में स्थापित किया गया था, और ये जो पुरस्कार है वो प्रत्येक वर्ष उन राजनेताओं या फिर नेताओं को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने देशों के लिए सर्वश्रेष्ठ हासिल करने के लिए संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाई है। तो 2019 में ये शेख हसीना को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कौन से देश में बांस से बना हुआ विद्यालय जिसको वास्तुकला का आगा खां पुरस्कार जीता है? तो देखिए, कहां पर बना हुआ ये बांस का विद्यालय? बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर होगा। तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं कि रानीगंज के दक्षिणी कनारचोर में अर्केडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट के द्वारा बना हुआ बांग्लादेश का बांस निर्मित विद्यालय ने वास्तुकला का 2019 आगा खां पुरस्कार जीता है। ये जो पुरस्कार है वो बांग्लादेश के दक्षिणी कनारचोर के अर्केडिया एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए ततारस्तान गणराज्य के कजान में दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में उस क्षेत्र में एक स्कूल का निर्माण शामिल था जो कि मानसून के महीनों के दौरान पानी के अंदर होता था, तो बांग्लादेश के अंतर्गत ये स्थित है। देखिए, ये जो पुरस्कार है इसकी स्थापना की बात करें तो 1977 में शिया इस्लामाई जो समुदाय है उसके धर्मनेता प्रिंस करीम आगा खान के द्वारा भवन निर्माण की अवधारणाओं को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, जो कि मुसलमानों की अधिकांश मौजूदगी वाले समुदायों की जरूरत और आकांक्षाओं को संबोधित करती है। तो ये जो पुरस्कार है वो 2019 में बांग्लादेश में बना हुआ बांस के विद्यालय ने जीता है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शिवरमन चेरियानंद का निधन हो चुका है, आपको बताना है कि ये पेशे से क्या थे? तो ये प्रख्यात लेखक थे मलयालम भाषा के, शिवरमन चेरियानंद 78 वर्ष के थे। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं और केरल में इनका निधन हो चुका है। शिवरमन ने एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया था और वर्ष 1989 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था। देखिए, इन्होंने वर्ष 1988 में अबू धाबी शक्ति पुरस्कार और वर्ष 2009 में एपी कालकड़ पुरस्कार भी जीता था। वर्ष 1989 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार ये प्राप्त करता थे। तो ये पेशे से क्या थे? एक लेखक थे। फिलहाल इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट आपको देखा है, किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जिनका नाम है कोडेला शिव प्रसाद राव, इनका भी फिलहाल निधन हो चुका है? आपको बताना है कि कौन से राज्य की ये पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं? तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, टीडीपी पार्टी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नेता कोडेला शिव प्रसाद का 72 वर्ष की आयु में हैदराबाद में एक हॉस्पिटल में इनका निधन हो चुका है। कोडिला ने कथित तौर के ऊपर शहर में अपने आवास के ऊपर आत्महत्या की है और गुटूर जिले में नर सरावपेटे निर्वाचन क्षेत्र से 6 बार ये विधायक रहे थे। वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद में डॉक्टर राव को विधानसभा का पहला अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो फिलहाल इनका निधन हो चुका है, आंध्र प्रदेश से ये संबंध रखते थे। नेक्स्ट आपको देखा है, भारत ने आसियान छात्रों को आईआईटी में कितनी पीएचडी फेलोशिप प्रदान की है? तो देखिए, 1000 इसका करेक्ट आंसर होगा। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि मानव संसाधन और विकास मंत्री हैं, इसके अलावा विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। और भारतीय प्रौद्योगिकी के संस्थान जो आईआईटी है उन्होंने संयुक्त रूप से आसियान छात्रों को 1000 पीएचडी फेलोशिप प्रदान करने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया है। यह केवल स्वाभाविक है कि ज्ञान लोगों के बीच के संबंधों का मूल चालक बना हुआ है। वित्त पोषण में एक पीएचडी कार्यक्रम के लिए 5 वर्ष तक के अध्ययन और रहने
के जो खर्च हैं वो इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए प्रवेश पोर्टल आईआईटी दिल्ली के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो 1000 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान नागरिकों के लिए अपनी पसंद के आईआईटी में पीएचडी कार्यक्रम हेतु 1000 फेलोशिप की घोषणा भी की थी। फिर देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस से जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थापित की गई है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे के पास में स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी और इसके लिए सेक्टर टेक जोन में 100 एकड़ जमीन की पहचान भी की गई है। विश्वविद्यालय के लिए निर्धारित भूमि एक आईटी कंपनी को आवंटित की गई थी। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने पुष्टि की है कि केंद्र को 372 करोड़ रुपए की लागत से भूमि आवंटित की गई थी। तो ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट आपको देखा है, इस्पात आयात जो प्रणाली है वो किसने लॉन्च की है। तो देखिए पीयूष गोयल के द्वारा ये लॉन्च की गई है। और पीयूष गोयल कौन से मंत्री हैं फिलहाल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और रेल मंत्री के पद के ऊपर कार्यरत हैं। इसके अलावा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी हैं। उन्होंने मिलकर संयुक्त रूप से नई दिल्ली में इस्पात आयात निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। SIMS से प्रभावी नीतिगत जो हस्तक्षेप है उनके लिए सरकार और जो साझेदार हैं इस्पात उपभोक्ता उनको इस्पात आयात के बारे में अग्रिम जानकारी प्रदान करेगा। तो पीयूष गोयल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपको देखा है, सूचना और प्रसारण मंत्री जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कहाँ जल दूत वाहन को हरी झंडी दिखाई है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा पुणे। तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, केंद्रीय पर्यावरण वन और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर महाराष्ट्र के पुणे में एक चलती फिरती प्रदर्शनी जलदूत वाहन को इन्होंने हरी झंडी दिखाई है। जल संरक्षण का संदेश ले जाने वाला वाहन राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाएगा और केंद्र सरकार ने जल शक्ति अभियान शुरू किया है जो कि देश भर में 256 जिलों में 1592 तनावग्रस्त जो ब्लॉक हैं उसके ऊपर केंद्रित एक जल संरक्षण अभियान है। तो पुणे को में इसको हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट आपको देखा है, राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान और विकास केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो देखिए बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन है। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के नेतृत्व में स्वच्छ कोयला अनुसंधान और विकास के ऊपर राष्ट्रीय स्तर के संघ के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान और विकास केंद्र का उद्घाटन किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक अंतर विषयक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित किया है। तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट आपको देखा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निम्न में से कहाँ पर औपचारिक रूप से स्वागत किया गया है। तो कौन से देश में किया गया है ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है वो फिलहाल 3 देशों की यात्रा के ऊपर चल रहे हैं, आपको पता होगा। तो स्लोवेनिया क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आइसलैंड स्विट्जरलैंड की अपनी यात्रा के समापन के बाद में दक्षिणी मध्य यूरोपीय देश स्लोवेनिया पहुंचे हैं और यहीं पर इनका औपचारिक रूप से स्वागत किया गया है। स्लोवेनिया के राष्ट्रपति का नाम ध्यान में रखना, बोरुत पाहोर, उनके द्वारा इनका औपचारिक रूप से स्वागत किया गया है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए भारत और जो स्लोवेनिया है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राष्ट्रपति पाहोर की उपस्थिति में विभिन्न क्षेत्रों में 7 समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। राष्ट्रपति युद्ध पीड़ितों के स्मारक के ऊपर माल्यार्पण करेंगे और वर्ष 1991 में जो स्लोवेनिया है वो आज़ाद हुआ था उसके बाद में जो रामनाथ कोविंद है वो ऐसे पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं जो कि स्लोवेनिया की यात्रा के ऊपर गए हैं। देखिए स्लोवेनिया के बारे में बात करें तो ये जो गणराज्य है वो मध्यवर्ती यूरोपीय सांस्कृतिक और व्यापार मार्गों के चौराहे के ऊपर स्थित एक दक्षिणी मध्य यूरोपीय देश है। इसके पश्चिम में इटली है, उत्तर में ऑस्ट्रिया है, उत्तर पूर्व में हंगरी देश है, दक्षिण पूर्व में क्रोएशिया है और दक्षिण पश्चिम में एड्रियाटिक सागर है। इसकी राजधानी और सबसे बड़े शहर की बात करें तो लुबियाना इसका सबसे बड़ा शहर है और यही इसकी राजधानी है। तो स्लोवेनिया क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दीक्षी जो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर शुरू हुई है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ये शुरू हुई है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, पेमा खांडू। उन्होंने पश्चिम कोमेंग जिले में
24 मेगावाट की दीक्षी जल विद्युत परियोजना राज्य के लोगों को समर्पित की है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के लोगों को दीक्षी जल विद्युत परियोजना समर्पित करने के साथ साथ में देव एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा फुदंग नदी के ऊपर निर्मित एक रन ऑफ द रिवर परियोजना का भी शुभारंभ किया है। तो अरुणाचल प्रदेश क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है, इस शताब्दी में एक श्रृंखला में सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो किसने दर्ज किया है। तो देखिए चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से स्टीव स्मिथ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं स्टीव स्मिथ, इस शताब्दी में टेस्ट श्रृंखला में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। स्टीव स्मिथ ने एशेज श्रृंखला 2019 के 4 मैचों में 3 शतक और 3 अर्धशतक के साथ में 110 से अधिक के औसत स्कोर से 774 रन बनाए हैं। इससे पहले स्मिथ ने वर्ष 2014-15 में 70 के दौरान भारत के खिलाफ में 769 रन बनाकर अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। देखिए बात करें 4 मैचों की श्रृंखला में सर्वाधिक टेस्ट रन किस किस व्यक्ति के हैं, तो विवियन रिचर्ड्स के हैं। विवियन रिचर्ड्स की बात करें तो 1976 में 829 रन इन्होंने बनाए थे। उसके बाद में सुनील गावस्कर की बात करें तो 1971 में 774 रन इन्होंने बनाए थे। 2019 में स्टीव स्मिथ ने बनाए हैं और 2014-15 में स्टीव स्मिथ ने 769 रन बनाए थे। तो 2 बार ये स्टीव स्मिथ है वो रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी क्या होगा, स्टीव स्मिथ ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, बास्केटबॉल जो विश्व कप है वो किसने जीता है। तो देखिए स्पेन ने जीता है और अर्जेंटीना को हराया है। स्पेन ने अर्जेंटीना को 95-75 से हराकर चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया बास्केटबॉल विश्व कप जीता है। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता है। देखिए 2019 में जो बास्केटबॉल विश्व कप पुरुषों की राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीमों के लिए FIBA बास्केटबॉल विश्व कप का ये कौन सा टूर्नामेंट था, 18वां टूर्नामेंट था। और जो अगला विश्व कप है वर्ष 2023 में वो जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसमें स्पेन ने यह कप जीता है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से 18 सितंबर 2019 से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी के बारे में अपन ने बात की है। उम्मीद है यहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नए क्वेश्चन आंसर के साथ में। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।